हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जन्मेजय महतो। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का सॉलिड स्टेट्स एंड सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉलिड्स क्या है, है ना, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जनरली जो सॉलिड है ना, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैटर है, ठीक है, तो वहां पर जितना भी एटम्स है ना, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो होता है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल या एटम्स जो है वो बहुत नजदीक नजदीक होता है, ठीक है, और ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा होता है ना, और इसका क्या होता है, एक डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। इसका हम टाइप्स देखते हैं, तो सॉलिड्स में ये जनरली हम लोग का दो टाइप्स का होता है, ठीक है। तो पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा तरह का सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, तो यहां पर कि अगर मान लेते हैं जो सॉलिड है, यहां पर ये जो बना होगा, मतलब इसका जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रेगुलर होगा और पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो इस तरह का सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सुगर है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये सब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग इसका ये फिगर से देख सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये अलग अलग मान लेते हैं, ये जो हम इसको दिखाए हैं, तो ये सभी जो है एक मतलब रेगुलर है और ये मतलब पीरियोडिक मैनर में है, मतलब ये एक ही प्रकार से अरेंजमेंट इसका है, ठीक है। तो इस तरह का सॉलिड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहे हैं। और दूसरा तरह का सॉलिड क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। यहां पर इस तरह का सॉलिड में क्या होगा, जो एटम्स होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीटली क्या होगा, इरेगुलर होगा। मतलब यहां पर जैसे हम लोग देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, पीरियोडिक मैनर में था, तो यहां पर ये पीरियोडिक मैनर में नहीं होगा। इसका जो मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो भी अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब एक तरह का नहीं होगा, ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक यहां है तो एक यहां होगा, इस तरह से ये अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह का जो सॉलिड होगा इसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, रबर है, प्लास्टिक है, तो इस तरह का ये डिफरेंट टाइप्स का मतलब हम इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, लेकिन ये हम यहाँ पर केवल तीन एग्जांपल लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दो तरह का सॉलिड होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फिर आगे इससे रिलेटेड जैसे मान लेते हैं सॉलिड में, ठीक है, एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग फिर आगे क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो, ये वाला वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।